समय नंबर सिस्टम पर काम कर रहे थे और आपका अपने यूट्यूब चैनल मैथ्स विजन में स्वागत भी करता हूँ। दोस्तों, इसके पहले अभी तक हम लोग इंटीजर्स के पहले वाला जितना भी पार्ट था वो पढ़ लिए थे, और क्या क्या पढ़े थे वो आपने पढ़ा होगा तो आपको ध्यान में होगा, और नहीं पढ़े हैं तो इस वीडियो को देखने से पहले उस वीडियो को आप देख लीजिएगा हमने क्या क्या पढ़ा है, फिर इस वीडियो पर आप आइएगा, तब आपको डिटेल में समझ में आएगा, नहीं तो आप कन्फ्यूज़न में रहेंगे। और ये वीडियो आप देख लेंगे तो आपका पूरा क्लासिफिकेशन ऑफ नंबर पूरी तरह तैयार हो जाएगा, कोई भी परेशानी कहीं से नहीं आएगी, ये मेरी गारंटी है। ठीक है दोस्तों, तो चलिए इंटीजर्स के बारे में भी पढ़ लेते हैं। जैसे हम लोग डेसिमल के बारे में पढ़े, रेशनल नंबर के बारे में पढ़े, इरेशनल नंबर के बारे में पढ़े, रिपीटिंग नॉन रिपीटिंग इन लोग के बारे में पढ़े, वैसे ही आज हम लोग इंटीजर्स के भी बारे में पढ़ लेते हैं, उसके बाद आगे के नंबर्स के बारे में भी पढ़ लेंगे। ठीक है दोस्तों, अगर वीडियो पसंद आएगा तो इसको लाइक करना ना भूलिएगा, कमेंट करके बताइएगा आपको कैसा वीडियो लगा। ठीक है, तो दोस्तों इंटीजर्स जो होता है, ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, ऑल इंटीजर्स, और ये नंबर सिस्टम का पार्ट थ्री है दोस्तों। ठीक है, पार्ट वन और पार्ट टू यूट्यूब पर अपलोड हो चुका, आप उसको देख लीजिएगा। ऑल इंटीजर्स आर रेशनल नंबर, सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं, सभी पूर्णांक परिमेय संख्याएं हैं। मतलब कि दोस्तों जितनी भी इंटीजर्स नंबर होती हैं वो परिमेय संख्याएं होती हैं, जितनी भी इंटीजर्स नंबर होती हैं दोस्तों वो परिमेय संख्याएं होती हैं। ठीक है, चलिए इंटीजर्स को हम लोग जनरली पहले तीन पार्ट्स में डिवाइड करते हैं, फिर आगे भी कई पार्ट्स में इसको डिवाइड करके पढ़ेंगे, ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। ठीक है, ठीक है दोस्तों, तो सबसे पहले हम लोग इसको किस में डिवाइड करते हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स। ठीक है, पॉजिटिव इंटीजर्स, निगेटिव इंटीजर्स, इन दोनों में हम लोग इसको डिवाइड कर लेते हैं। ठीक है, तो पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है दोस्तों, हम लोग जानते हैं 1, 2, 3, 4 डॉट 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 इन्फिनिटी तक होता है, ये आप तो जानते ही होंगे। पॉजिटिव इंटीजर्स क्या होता है, 1 से लेके इन्फिनिटी तक होता है। निगेटिव इंटीजर्स क्या होता है, माइनस इन्फिनिटी से लेकर दोस्तों -5, -4, -3, -2, -1 तक होता है, ये आप जानते ही होंगे। ठीक है दोस्तों, अब आप जानते हैं कि दोस्तों 1 से लेकर जो नंबर हमारा जो शुरू होता है उसको हम क्या बोलते हैं, उसको आप जानते हैं, इस सेट को क्या बोलते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स बोलते हैं, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। 1 से लेकर इन्फिनिटी तक का जो हमारा सेट होता है वो क्या होता है, सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स होता है। ठीक है, नेचुरल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या बोलते हैं, प्राकृतिक संख्या। ठीक है, माइनस इन्फिनिटी से -1 तक इसको कुछ नहीं बोलते हैं। ठीक है, अब देखिए सभी पूर्णांक परिमेय संख्या हैं, तो दोस्तों एक इसमें हम लोग जीरो के बारे में भी पढ़ते हैं, एक इसमें हम लोग क्या बोलते हैं, जीरो के भी बारे में पढ़ते हैं। ठीक, जीरो से देखिए, जब नेचुरल नंबर के सेट में अगर एक जीरो बढ़ा दिया जाए, नेचुरल नंबर के सेट में एक जीरो बढ़ा दिया जाए तो क्या हो जाता है, वो हमारा हो जाता है सेट ऑफ होल नंबर, सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स, सेट ऑफ होल नंबर्स। ठीक है, होल नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं, पूर्ण संख्या बोलते हैं, मतलब ये पूर्ण संख्या का समुच्चय हो जाएगा। ठीक है, इतनी बात आपको समझ में आई होगी, तो चलिए आगे बढ़ते हैं। जीरो एक हमारा क्या है दोस्तों, होल नंबर है। ठीक है, क्योंकि जीरो ही लगा के हमने इसको क्या बना दिया, सेट ऑफ होल नंबर्स बना दिया है। ठीक है, अब देखिए हम लोग फिर से इंटीजर्स को दो पार्ट्स में डिवाइड करते हैं। ठीक है, पहला इवन नंबर, दूसरा ऑड नंबर।
देखिए दोस्तों, ये आप लोग बचपन से पढ़े हैं इवन नंबर ऑड नंबर, लेकिन एक क्लासिफिकेशन के फॉर्म में आप नहीं पढ़े, मतलब इतना सीक्वेंस रूप में आपने कभी इसको नहीं पढ़ा। आज के बाद ये आप भूलेंगे नहीं, ठीक है, ये मेरी गारंटी है, अगर आप अच्छे से पढ़ लेते हैं। अब आएंगे वीडियो पे, पढ़ें नहीं, बस 2 मिनट चलाएं, अगर नहीं पढ़े तो फिर ये आपकी गलती है, ठीक है। इवन नंबर को हिंदी में क्या बोलते हैं? सम संख्या बोलते हैं, सम संख्या। और ऑड नंबर को क्या बोलते हैं? विषम संख्या बोलते हैं, ठीक है दोस्तों। सम संख्या क्या आता है, ये देखिए, नंबर विच इज डिविजिबल बाई टू, डिविजिबल बाई टू मतलब ऐसी संख्या जो दो से पूरी तरह डिवाइड हो जाए, उसको क्या बोलते हैं? इवन नंबर्स। चाहे वो कोई नंबर हो, अगर वो दो से डिवाइड हो जाता है, मतलब उसका रिमाइंडर जीरो बच जाता है, डिवाइड करने के बाद अगर उसका रिमाइंडर जीरो बच जाता है तो वो इवन नंबर है। ऑड नंबर क्या है? नंबर विच इज नॉट डिविजिबल बाई टू, डिविजिबल बाई टू, ऐसी संख्या जो दो से डिवाइड नहीं होती है वो क्या होती है? ऑड नंबर्स होती हैं। इतनी बात हमेशा याद रखिएगा, ठीक है। अब देखिए, दो से डिवाइड होता है तो इसका भी सेट बना लेते हैं, ठीक है। माइनस इन्फिनिटी से चलना शुरू करते हैं, माइनस फोर, माइनस टू, जीरो, टू, फोर, सिक्स, डॉट 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 इन्फिनिटी। अब दोस्तों बहुत लोग को कंफ्यूजन होगा कि सर जीरो कैसे इवन नंबर होता है, बहुत लोग को कंफ्यूजन हो गया, होना भी चाहिए। अभी मैं आगे आपको क्लैरिफिकेशन दे रहा हूँ कि ऐसा क्यों होता है, ठीक है। पहली बात तो इवन नंबर का मतलब कि आपका मान फोर आपका टू से डिवाइड हो रहा है, ये तो आपको समझ में आ रहा है। माइनस फोर हो चाहे प्लस फोर हो, उससे क्या लेना देना, आपको टू से डिवाइड होने का ही मतलब है ना। डेफिनेशन में कहीं ऐसे मैंने थोड़ी ना लिखवाया है कि केवल पॉजिटिव नंबर को आपको टू से डिवाइड करना है, निगेटिव वाले को नहीं करना है। तो माइनस फोर को अगर टू से डिवाइड किया तो इवन नंबर हुआ। अब हमारा इवन नंबर के लिए सबके बीच में हमारा दो दो का गैप होना चाहिए ना दोस्तों। तो ये देखिए, दो का गैप यहाँ है, दो का गैप यहाँ है, दो का गैप ऐसे है, फिर भी आपको नहीं समझ में आया, तो अभी एक और चीज़ पढ़ाता हूँ, उससे आपको एकदम क्लियर हो जाएगा कि ये होता क्या है, ठीक है। चलिए, ऑड नंबर, ऑड नंबर के लिए भी हमारा सेट माइनस इन्फिनिटी से लेके चलते हैं। अब दोस्तों आप कहेंगे यहाँ पर भी माइनस इन्फिनिटी आया, यहाँ पर भी माइनस इन्फिनिटी आया। दोस्तों इन्फिनिटी एक ऐसा नंबर होता है, वो इतना बड़ा नंबर है कि उसके बारे में हमको मालूम नहीं है, ठीक है। इन्फिनिटी हमारा कोई फिक्स नंबर नहीं है, इतना ये बड़ा नंबर है कि इसके बारे में अभी तक हमें नॉलेज नहीं है, ठीक है। तो डॉट डॉट डॉट, तो ये हमारा माइनस फाइव हुआ, क्योंकि टू से डिवाइड माइनस फाइव ही नहीं होता है। फिर इसमें दो का गैप हो जाएगा, माइनस थ्री, माइनस वन, वन, थ्री, डॉट 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 इन्फिनिटी, पॉजिटिव इन्फिनिटी, ठीक है। इतनी बात आपको समझ में आई? चलिए समझ में आई तो अब देखिए, अब आपको मैं समझाना चाहता हूँ कि कैसे जीरो इवन नंबर होता है। पहले एक कॉन्सेप्ट समझ लीजिए, जब भी आप इवन में इवेन को ऐड करेंगे, मतलब सम संख्या में सम संख्या को ऐड करेंगे तो आपको इवेन ही मिलेगा। जब भी आप सम संख्या में सम संख्या को ऐड करेंगे तो आपको इवेन ही मिलेगा। जब ऑड नंबर मतलब विषम संख्या में विषम संख्या को जोड़ेंगे तब पर भी आपको इवेन ही मिलेगा, ठीक है। जब एक इवेन लेंगे और दूसरा ऑड लेंगे, या तो आप ऑड यहाँ लिख लो या तो आप ऑड यहाँ लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि 3 + 4 बराबर भी 7 होता है और 4 + 3 बराबर भी 7 होता है। जोड़ और गुणा में क्रम विनिमय नियम लागू होता है, ठीक है। तो ये हमारा इवन प्लस ऑड रहेगा तो हमें क्या मिलेगा? ऑड मिलेगा। इसी कॉन्सेप्ट से देखते हैं, ठीक है। टू हमारा दोस्तों इवन नंबर है और हम देखना चाहते हैं कि जीरो हमारा इवन नंबर है कि नहीं। तो जीरो उसमें ऐड किए तो हमारा वापस टू आया, मतलब टू एक हमारा जो नया नंबर आया, ये भी हमारा क्या है? इवन नंबर है। मतलब कि इवन में इवन जोड़ने ही पे तो इवन आया है, अगर हमारा जीरो ऑड रहता तो हमारा ऑड नंबर आता, ठीक है। चलिए एक और नंबर लेके दिखा देते हैं, 2 + 1 करते हैं। देखिए 2 हमारा इवन है और 1 हमारा ऑड है, ठीक है। तो ये हमारा 3 आया। देखिए एक इवन और एक ऑड जोड़ने पर हमारा ऑड आ रहा है, तो इससे आपको पता चल गया कि जीरो हमारा क्या है? इवन नंबर है, ठीक है। जीरो के बारे में एक और फैक्ट लिखवा देता हूँ। देखिए जीरो हमारा एक पूर्णांक संख्या भी था, जीरो हमारा यहाँ पर ये क्या है,
इवन नंबर भी है, तो 2 0 इज एन इवन इंटीजर नंबर। 0 1 हमारा सम पूर्णांक संख्या है, 0 1 सम पूर्णांक संख्या है, 0 1 सम पूर्णांक संख्या है। इतनी बात आपको समझ में आई दोस्तों? हाँ ठीक। अब उसके बाद अब हम लोग का इवन नंबर हो गया, ऑड नंबर हो गया, पॉजिटिव इंटीजर हो गया, होल सेट ऑफ होल नंबर हो गया, सेट ऑफ नेचुरल नंबर हो गया, निगेटिव इंटीजर हो गया। अब थोड़ा पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में हम लोग पढ़ लेते हैं, ठीक है दोस्तों? पॉजिटिव इंटीजर्स के बारे में पढ़ के आज का लेक्चर पूरा खत्म कर देंगे पूरी तरह से, ठीक है? पॉजिटिव इंटीजर्स को दोस्तों हम लोग धन पूर्णांक भी बोलते हैं, ठीक है? तो पॉजिटिव इंटीजर्स में दोस्तों इसको हम लोग कैटेगराइज अब करने जा रहे हैं, ठीक है? पॉजिटिव इंटीजर्स को पहले हम लोग किस में दोस्तों करेंगे? प्राइम नंबर में। प्राइम नंबर में, प्राइम नंबर को हिंदी में बोलते हैं अभाज्य संख्या, अभाज्य संख्या या रूढ़ संख्या, या रूढ़ संख्या। कई बार पूछ लेता भैया रूढ़ संख्या क्या होती है, तो लोग बचपन से ही पढ़े रहते हैं कि प्राइम नंबर मतलब होता है अभाज्य संख्या, ठीक है? दूसरा हम लोग पढ़ेंगे कंपोजिट नंबर। कंपोजिट नंबर, कंपोजिट नंबर क्या होता है दोस्तों? भाज्य संख्या होती है, ठीक है? भाज्य संख्या, अभी सबके बारे में बता रहा हूँ, ये हो क्या रहा है, ठीक है? ये होता क्या है, ठीक? पहले इन दोनों के बारे में पढ़ते हैं, फिर थोड़ा और इसमें नॉलेज और दे देता हूँ मैं आपको। प्राइम नंबर वो होता है नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, एक ऐसा नंबर जिसके पास केवल दो फैक्टर्स होते हैं। कौन कौन से फैक्टर्स होते हैं? पहला वन, दूसरा इट सेल्फ। मतलब कि ऐसी संख्या जिसका दो ही फैक्टर हो, या तो वन हो या तो वो नंबर खुद ही हो, तो क्या होता है? प्राइम नंबर हो गया। जैसे 2 लिखा हुआ है, ठीक है? तो 2 हमारे क्या है दोस्तों? या तो ये 1 से डिवाइड हो पाएगा या तो 2 से डिवाइड हो पाएगा, इसके अलावा ये किसी और नंबर से डिवाइड नहीं हो पाएगा। जैसे 7 हो गया, तो ये 7 क्या है? या तो 1 से डिविजिबल हो गया या तो 7 से खुद ही हो गया, और किसी नंबर से नहीं होगा, ठीक है? इतनी बात आपको समझ में आई होगी कि प्राइम नंबर क्या होता है, नंबर विच हैव ओनली टू फैक्टर्स, ठीक है? ओनली एंड ओनली भी आप कर सकते हैं, ओनली एंड ओनली टू फैक्टर्स, कोई फर्क नहीं है, ठीक है? कंपोजिट नंबर क्या होता है दोस्तों? नंबर विच हैव मोर देन टू फैक्टर्स, वो क्या हो गया? कंपोजिट नंबर होगा। ऐसी संख्या जिसका दो से ज्यादा फैक्टर मौजूद हो, वो क्या होता है? कंपोजिट नंबर होता है। जैसे 4 हो गया, तो 4 के फैक्टर क्या होगा? 1 होगा, 2 होगा, 4 होगा। दो से ज्यादा फैक्टर है ना, तो ये हमारा क्या हो गया? कंपोजिट नंबर हो गया। 8 हो गया, तो 8 का क्या क्या फैक्टर होता है? 1 होता है, 2 होता है, 4 होता है, 8 होता है, ठीक है? इतनी बात आपको समझ में आई? तो मतलब प्राइम नंबर की हमारी शुरुआत कहाँ से होती है दोस्तों? 2 से होती है, 2 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, ठीक है? प्राइम नंबर की शुरुआत हमारी कहाँ से होती है? 2 3 5 7 डॉट डॉट डॉट, ठीक। और कंपोजिट नंबर की हमारी शुरुआत कहाँ से होगी दोस्तों? 4 6 8 डॉट डॉट डॉट, ठीक है? इतनी बात अब समझ में आ गई, ठीक है? अब देखिए दोस्तों, इसमें 1 तो आ नहीं रहा। पॉजिटिव इंटीजर का मतलब क्या होता है? 1 से लेके इन्फिनिटी होती है, तो इसमें 1 आ नहीं रहा है। तो 1 हमारा क्या है? 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट। 1 क्या है हमारा? एक ऐसा नंबर है जो ना तो प्राइम होता है, मतलब कि ना तो यह अभाज्य संख्या होता है, ना तो भाज्य संख्या होता है। 1 इज नीदर प्राइम नॉर कंपोजिट, ठीक है? इतनी बात समझ में आ गई आपको?
ठीक है, इसलिए 1 को कभी हम लोग प्राइम नंबर में नहीं लेते हैं, क्योंकि ना तो ये प्राइम होता है ना तो भाज्य संख्या होती है, ठीक है। क्योंकि 1 के पास भी तो दो फैक्टर्स होने चाहिए प्राइम होने के लिए, तो 1 के पास केवल एक ही फैक्टर है, इसके पास भी तो दो फैक्टर्स होने चाहिए, ठीक है। और कंपोजिट नंबर होने के लिए दो से ज़्यादा फैक्टर होने चाहिए, तो 1 के पास केवल एक ही फैक्टर है, इसलिए ये ना तो प्राइम है ना तो ये कंपोजिट है। इतनी बात समझ में आ गई। तो थोड़ा हम लोग 2 के बारे में पढ़ लेते हैं। 2 हमारा एक इवन नंबर भी होता है। 2 हमारा क्या होता है दोस्तों, एक इवन नंबर भी होता है। तो 2 इज एन इवन प्राइम नंबर। 2 हमारा क्या है, एक सम अभाज्य संख्या है। 2 एक सम अभाज्य संख्या है, ठीक है। स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है हमारा, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर वो भी क्या होता है, 2 होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है, स्मॉलेस्ट प्राइम नंबर क्या होता है, 2 होता है। और आज क्यों होता है ये भी आपको पता चल गया, 1 क्यों नहीं प्राइम नंबर होता ये भी आपको आज पता चल गया, ठीक है दोस्तों। इतनी बातें आपको समझ में आ गई, तो चलिए कुछ क्वेश्चंस और पूछे जाते हैं वो भी बता देता हूँ। 1 से लेकर 50 तक जो हमारा प्राइम नंबर की संख्या होता है वो कितना होता है, 15 होता है। 1 से लेकर 50 तक हमारे प्राइम नंबर की संख्या कितनी होती है, 15 होती है प्राइम नंबर, ठीक है। 1 से लेकर 50 तक हमारे कितने प्राइम नंबर होते हैं, 15। 50 से लेकर 100 तक हमारा प्राइम नंबर कितना होता है दोस्तों, 10 होता है। ये कई बार एग्जाम में पूछा जा चुका है कि 1 से लेकर 50 तक के कितने प्राइम नंबर होते हैं, तो 15 होते हैं। 50 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर होते हैं, 10 होते हैं। तो 1 से लेकर 100 तक कितने प्राइम नंबर हुए, तो 15 प्लस 10 बराबर 25। तो 1 से लेकर 100 तक में कितने प्राइम नंबर होते हैं, 25 होते हैं। इतनी बात आपको समझ में आ गई होगी दोस्तों। अब दोस्तों ये वीडियो बहुत ज़्यादा बड़ा ना हो जाए, इसलिए मैं रिलेटिवली प्राइम नंबर, को प्राइम नंबर, परफेक्ट नंबर, इन सबको नेक्स्ट वीडियोस में समझाऊंगा। तब तक के लिए वीडियो पसंद आए तो लाइक करना ना भूलें, और चैनल को, पहली बार आप चैनल पर हैं तो सब्सक्राइब करें, बेल आइकन को प्रेस करें, और इसको अपने दोस्तों के साथ भी शेयर करें, क्योंकि मेरा मोटिव है कि सभी बच्चों को नॉलेज मिले, ठीक है। नहीं शेयर करेंगे तो मैं कर भी क्या सकता हूँ, ठीक है, लेकिन शेयर कीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद जय भारत।